स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट माई सेल्फ डॉक्टर इंतखाबदर टूडे आई एम डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड विद सेल्स साइकिल सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ ठीक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सेल तो हम लोग आज क्वेश्चन की बात करते हैं नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन सेल ऑर्गेनेल्स ठीक कैरोटीन्स एंथ्रोसाइनिन ज़ैंथोफिल्स क्लोरोफिल ठीक एंथ्रोसाइनिन जो होता है बेटा ये होता है वाटर सोल्यूबल क्लियर तो यही नहीं पाया जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज पेयर इज रॉन्ग बैक्टीरियल सेल वॉल सेलोज ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है नाग नाम की बैक्टीरियल राइबोसोम 16S RRNA बैक्टीरियल फ्लैजिला प्रोटीन का बना होता है बैक्टीरियल ग्लाइकोकैलिक्स सेलुलोज की बनी होती है यस ठीक है ना क्वेश्चन नंबर यानी सेकंड का फर्स्ट होगा थर्ड का देखें इन विच एनिमल सेल पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर नोटिस्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जिसपे जो है एक्सपेरिमेंट किया था बेटा जेनेटिक्स में कोई बता सकता है क्या मुझे MD ठीक जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उनको कहा जाता है मैन फ्लाई मैन जेनेटिक्स में उनको बोलते हैं फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स ठीक जिनका नाम एम से है बेटा MD ड्रोसोफिला नाम था उनका मॉर्गन यस मुझे भी याद आ गया मॉर्गन नाम था उनका बेटा ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फोर देखें सिलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल ठीक माइकोप्लाज्मा इज वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल वॉल नहीं होती है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस सही बात है पिलाई एंड फिमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी नहीं प्लाई एंड फिमरी आर द सर्फेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया दे आर नॉट हेल्प इन दी मोटिलिटी इट इन्वॉल्व दी अटैचमेंट ओनली अटैचमेंट टू दी सर्फेस ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव देखें वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स वैक्यूल्स आर अभी हमने बात की बेटा एंथ्रोसाइनिन वाटर सोल्यूबल होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल स्टैंड ऑफ RNA इज नॉन एज ठीक हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम क्या बोलते हैं बेटा पॉलीसोम बोलते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें सेवन इन क्लोरोप्लास्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन वाटर का ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर टेक्स प्लेस इन द इनर साइड ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड सो H+ का फॉर्मेशन मोर होगा pH लेस होगी तो मोर प्रोटॉन अकोमुलेट होंगे ठीक है ना बेटा तो सेकंड ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर एट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी ठीक है ना बैक्टीरिया एक्सेप्शन नहीं था वायरस प्रियॉन्स वायरवाइट्स ये सब एक्सेप्शन थे ठीक है ना ये क्योंकि ये सब ट्रूली लिविंग नहीं थे ठीक है ना क्वेश्चन नंबर नाइन देखें ये लोग जो है विटेकर साहब के भी एक्सपेरिमेंट से बाहर थे ठीक क्वेश्चन नंबर नाइन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिलेटिव साइज ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग अगर देखें बेटा सेल हर सेल के अंदर सेल ट्रिलियन में है सेल हमारे अंदर हर सेल के अंदर न्यूक्लियस उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम देन वाटर देन ऑक्सीजन ठीक है ना बेटा तो फर्स्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर टेन देखें क्रोमेटोफोर्स टेक्स पार्ट इन क्रोमेटोफोर्स जो बैक्टीरियल की फोटोसिंथेसिस होती है क्रोमेटोफोर्स के थ्रू होती है ठीक है ना मीजोसोम के द्वारा रिस्पायरेशन होती है ठीक है ना क्वेश्चन नंबर बेटा अगर 12 देखें हम लोग सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन ठीक पूछा है करेक्ट मैचिंग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है ठीक है ना रफ इंडोप्लाज्मिक ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स नहीं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन कराता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स यस फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स ठीक PCG फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ये सब बेटा पाई जाती हैं फॉलोइंग नॉट ठीक है ना ये सब प्रोकैरियोट्स में पाई जाती हैं पॉलीसोम्स नहीं पाया पॉलीसोम नहीं पाया जाता है
नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकार्योट्स। यस, पॉलीसोम फूड जो स्टोर होता है वो पॉलीसोम के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये जो भी ये ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, ये पाए जाते थे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना। इंक्लूजन बॉडी क्या था, नॉट एन इंक्लूजन बॉडी, यस, ठीक है ना। ये सब इंक्लूजन बॉडी नहीं थे, सब पिगमेंटेड मॉलिक्यूल, साइनो ग्लाइकोजन। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर हम लोग देखें, डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है, तो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस भी होती है स्मॉल अमाउंट में, एटीपी सिंथेसिस होती है, क्रेब्स साइकिल चलती है, पॉलीसेकेराइड डिग्रेडेशंस नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, विच सेल ऑर्गेनल्स रिड्यूस द नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनल्स, सुसाइडल बैग बोलते हैं लाइसोसोम को बेटा, ये क्या करता है दूसरे सेल के नंबर को ये कम कर देता है, खा जाता है, सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने ही सेल को मारने लगता है, ठीक है ना। ये एक्टिव होता है पीएच जब होती है लेस देन 5, यानी एसिडिक पीएच पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, इफ़ यू फ्रैक्शनल ऑल द सेल ऑर्गेनल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ ए प्लांट सेल्स विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रैक्शंस विल हैव न्यूक्लिक एसिड्स, किसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर नहीं पाया जाता, तो पहला गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, पेरोक्सिसोम के अंदर नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर नहीं पाया जाता है, गलत हो गया। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, बॉडी और इनोप्लास्मिक रेटिकुलम, नहीं गोल्गी बॉडी नहीं। अब यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यस बेटा पाया जाता है, ठीक है ना। यानी बेटा फोर्थ ऑप्शन हो गया, आरएनए प्लस प्रोटीन के राइबोसोम बने होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाउ मेनी माइक्रोट्यूबुल्स आर प्रेजेंट इन अ सीलियम और फ्लैजिलम के अंदर, कितने माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं बेटा, जो 20 माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम लोग देखें, काइनेटोकोर्स इज, काइनेटोकोर क्या है, सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर के ऊपर हम लोगों ने देखा था, कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है, ये क्रोमोजोम है, इसी क्रोमोजोम के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था काइनेटोकोर्स, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ऑलवेज एबसेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोट के अंदर एबसेंट होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर सेल वॉल पाया जाएगा, डीएनए भी पाया जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस इसके अंदर पाया, न्यूक्लियस स्मॉल अमाउंट में है लेकिन डिस्क्रेट होंगे इसके डीएनए, राइबोसोम भी होगा, ठीक है ना। प्राइमरी सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी होती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर लोकेटेड इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं, ये सब रटे क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 22 देखें, विच ऑफ दी फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड्स डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल्स, एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को, इलियोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट, एलिवरोप्लास्ट प्रोटीन का, क्रोमोप्लास्ट नहीं, ठीक है ना बेटा, तो सेकेंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें हम लोग, टर्म ग्लाइको कैलिक्स इज यूज फॉर, ग्लाइको कैलिक्स एक लेयर है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। 24 देखें, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, मेजोसोम, मेजोसोम जो है बेटे रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन, याद रखिएगा, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें, 25 मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन जो होता है पोटेशियम आयन होता है बेटा, ये हमने आप लोगों को बढ़ाया था, पोटेशियम क्या करता है, ओपनिंग ऑफ द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, पोटेशियम और आयन को मेंटेन करता है, आयनिक चैनल्स में भी हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सरल, याद रखिएगा, सरल, सरल यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सरल याद रखिएगा, ठीक। लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जितने भी सेक्सुअल हार्मोन हैं ये सब लिपिड वाले हार्मोन होते हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रोकैरियोट ढूंढिए भाई, कौन सा है इसमें प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट इसमें है नॉस्टॉक, क्लियर। एग्रिकस फंजाई हो गया, पेनिसिलियम भी वही हो गया, ओलवॉक्स जो है एल्गा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई एंड क्लैमाइडोमोनास, में डिफरेंस नहीं है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना बेटा। और क्वेश्चन नंबर 29 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, पैसिव ट्रांसपोर्ट्स एटीपी, गलत, एपोप्लास्ट, प्लास्मोडेस्माटा, करेक्ट पूछा है, गलत, पोटेशियम रिडली इमोबिलाइज्ड, गलत, पोटेशियम रिडली इमोबिलाइज्ड है,
यस करेक्टली मैच्ड हैं, बेकन ऑफ राइस रिलिंग एफ स्कूब नहीं, तो थर्ड ऑप्शन जाएगा बेटा सल्फर, कैल्शियम सल्फर भी देना चाहिए था इसको यहाँ पे, लेकिन खैर ठीक है स्मॉल अमाउंट में होता है। थर्ड ही देखें, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड आफ्टर द एडवेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग 1950s में डिस्कवरी हुई थी बेटा, फर्स्ट आरबीसी केमिकल स्ट्रक्चर्स हम लोगों को आरबीसी पे देखने को मिला था। ठीक है क्वेश्चन नंबर 31 देखें, सेल मेम्ब्रेन्स एडजेसेंट सेल्स आर फ्यूज्ड एट जोनुला मैकुला एडहेरेंस, जोनुला एडहेरेंस, जोनुला अक्लूडेंस, किससे होता है बेटा, जोनुला अक्लूडेंस होता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 32 देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट प्लास्मिड्स एक्सेप्ट, प्लास्मिड दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं बेटा, ठीक है वेक्टर की तरह काम करते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ठीक है जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, रिप्लीकेशंस ऑफ द न्यूक्लियॉइड, या कह रहा है इट हेल्प इन द रिप्लीकेशन ऑफ द न्यूक्लियॉइड, नहीं यही गलत है। ठीक है ना क्वेश्चन नंबर 33 देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज लाइसोसोम वैक्यूल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज दीज स्ट्रक्चर आर डिस्टिंक्ट, दीज फंक्शंस आर डिस्टिंक्ट, दियर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, यस इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है इसमें बेटा जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं इस यूनिट से कम बेटा पूछे जाएंगे 8 क्वेश्चन, 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बायो मालिक्यूल्स जो हमने पढ़ाया था आपको, बायो मालिक्यूल्स वो केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, तो उससे 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक वेन, उसके ऊपर क्या पाया जाएगा बेटा, राइबोसोम पाया जाएगा, इस वजह से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय सरल, ठीक है लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं। राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, राइबोसोम पाया था बैक्टीरिया के अंदर यस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर यस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यस, क्लोरोप्लास्ट के अंदर यस, गोल्गी बॉडीज के अंदर नहीं पाया जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ सरल लिपिड स्टेरॉयडल हार्मोन ग्लाइकोजन मेटाबोलिज्म, यस। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, अ सेल विच इज वेरी एक्टिव इन दी सिंथिसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ द प्रोटीन्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, ठीक मोर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक देन स्मूथ, यस थर्ड ऑप्शन करेक्ट होंगे बेटा। पैकेजिंग में गोल्गी बॉडीज इन्वॉल्व होता है, पैकेजिंग ऑफ द सब्सटेंस फॉर एक्सपोर्ट्स व्हेन द सेल अकर्स इन दी गोल्गी बॉडीज, यस ठीक है। 40 देखें, नेम ऑफ द डेंसली स्टेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लियस हैविंग पैरेलली स्टैक, पैरेलल स्टैक्स ये गोल्गी बॉडीज का ही अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है बेटा, पैरेलली अरेंज होते हैं, इनकी साइज जो होती है 0.5 माइक्रोन टू 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, ठीक है तो जीवी ही बोलते हैं हम लोग, गॉल ब्लैडर नहीं बेटा, गोल्गी बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द लाइसोसोम इज डैट, ये लाइसोसोम क्या होता है, लोअर पीएच इन द साइटोप्लाज्म, यस एक्टिव जो होता है एसिडिक पीएच पे होता है, सुसाइडल बैग कहते हैं, और मरने के बाद एक्टिव होता है, अगर यही एक्टिव ना हो तो हमारी बॉडी जो है फर्मेंटेशन ना हो हमारी बॉडी के अंदर, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड CO2 का प्रोडक्शन ना हो, ठीक है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रोडक्शन करने लगते हैं गैसेस का। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, गोल्गी एपरेटस डिक्टियोसोम इज फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली, फाउंड इन प्रोकैरियोट्स ओनली, इन द साइट फॉर रैपिड ATP प्रोडक्शन नहीं, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, यस पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स आर टेक्स प्लेस थ्रू दी गोल्गी बॉडीज। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें आप, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ही निकलते हैं, ठीक है यहाँ पे हम लोगों ने देखा न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग देखें DNA उन्ने होता है, उसके बाद प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है, यही प्रोटीन यहाँ से पास होते 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 अब यहीं पे बेटा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं, देन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं, देन ये आगे पैकेजिंग होती है, तो गोल्गी बॉडीज में पैकेजिंग हो गई, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेस करता है, तो ये पाथवे से ये पास होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज, उस बाद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, यानी ये पाथवे इसका होता है पास होने का, फॉर्मेशन हो रहा है और पास हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैकेजिंग, ठीक है ना, गोल्गी बॉडीज करने लगता है इसकी। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, अच्छा पूछ भी लिया है यहाँ पे, पूछा दी फॉलोइंग करेक्ट फॉर ऑप्शन ऑफ लाइसोसोम, ओरिजिन ऑफ द लाइसोसोम, लाइसोसोम की ओरिजिन के बारे में पूछा है। खैर कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडीज, यस गोल्गी बॉडी से देन लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है,
ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन होगा 44। देखें, इट कंटेन्स वाटर सैप, एक्सक्रीटी प्रोडक्ट्स एंड अदर मोस्ट हैज़ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इन, यस इट इज़ बाउंड ओनली सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। ये बात हो रही है बेटा वैक्यूल की। प्लांट में जो होती है 90 to 95% होती है, एनिमल में नहीं होती है। इट कंटेन फॉर्म अ सेल सैप, यस इट मेंटेन टर्गर प्रेशर्स, यस इसको हम लोग कह सकते हैं वैक्यूल को कि जो भी एक्सक्रीटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जाके इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना। तो वैक्यूल होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, कंसंट्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स इज हायर इन वैक्यूल्स देन दोज इन द साइटोप्लाज्म। वाई टोनोप्लास्ट हैज़ द नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स एंड पम्प्स आयन, क्योंकि होता क्या है ये बताइए आप। अपने घर में जो है हमेशा मान लीजिए ये डस्टबिन है, ठीक, तो डस्टबिन में जो है कूड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कंसंट्रेशन कूड़े की यहाँ क्या है बेटा, ज़्यादा है, ठीक, और यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ वो कंसंट्रेशन घर में जो वो कम हुआ, फिर ले जाके आप यहाँ रख देते हैं। अब बताइए आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहे हैं या हाई से लो, लो से हाई जा रहे हैं। यही बिल्कुल कंसेप्ट जो है वैक्यूल्स का चलता है। किसका बेटा, वैक्यूल का, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन होगा टोनोप्लास्ट एज अ नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट पम्प्स द इनर साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। डीएनए इज लोकेटेड इन मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, इन सॉसर शेप सिलेंड्रिकल, ये बात हो रही है बेटा सॉसर शेप सिलेंड्रिकल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। हैज़ टू एक्वस कंपार्टमेंट, टू एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है, क्रिस्टा होता है जो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिसमें अब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है, इसमें सारी के सारी रिएक्शंस चलती हैं, क्रेब्स साइकिल इसमें होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है। लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स एंड हाउ मेनी प्लास्टिड्स, हाउ मेनी टाइप्स प्लास्टिड्स, कितने टाइप्स की होती है बेटा, तीन टाइप्स की होती है, इलियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा था एरियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट था, एलियोरोप्लास्ट था, एक और प्लास्ट था ऊपर पढ़ा गया हूँ अभी, ठीक है, और एल्यूरो एमाइलो, एमाइलो प्लास्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, 49 में भी दिया हुआ है बेटा, एमाइलो प्लास्ट स्टोर स्टार्च एज पोटैटो, इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट्स, सही है, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, प्लास्टिड्स आर इंक्लूडेड अंडर, ठीक, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स है, क्रोमोप्लास्ट नाइट्रोजन नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट, तो पूछा है एबव टाइप ऑफ प्लास्टिड्स इंक्लूड अंडर ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, इन क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गा द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल, ठीक, कितने होते हैं बेटा पर सेल, ग्रीन एल्गा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल 100 होते हैं बेटा, कितने होते हैं 100, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 में बेटा जो है इन क्लेमाइडोमोनास दोबारा देखते हैं, और 20 से 40 होना चाहिए, इन क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल, यस क्लोरोप्लास्ट बेटा 1 होते हैं, 20 से 40 मेसोफिल सेल होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, विच आर दी फॉलोइंग करेक्ट अबाउट दी अदर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इन आउटर होगा बेटा, अदर की जगह आउटर एंड इनर होगा, ठीक है ना। तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर मोर परमेबल एंड इनर वाली लेस परमेबल होती है, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन होगा, 70S राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 की बात करें, माइक्रो ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ, अभी मैंने पढ़ाया था माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, फाउंड इन द सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54, सीलियम एंड फ्लैजिलम कंटेन्स एन आउटर रिंग ऑफ द 9 डबलेट माइक्रो ट्यूब्यूल्स सराउंडिंग 2 सिंगल माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक सही है। सीलिया आर स्मॉलर वोर्स वॉक्स लाइक अ वोर्स एंड कास्टिंग मोमेंट्स ऑफ द इधर सेल और सराउंडिंग फ्लूड्स, यस सीलियम एंड फ्लैजिलम आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं बेटा। सेंट्रियोल्स एराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल्स एराइज होता है, ठीक, जो डुप्लीकेशन करता है एस फेस में। क्वेश्चन नंबर 56, विच आर दी फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट दी माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट होती हैं बेटा प्लांट में ही, प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया माइन्यूट मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनस वेसाइकल्स,
ठीक, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल, यस, बैक्टीरियम नहीं पाई जाती हैं प्लांट और एनिमल में पाई जाती हैं, दे हैव वेरियस इंजाइम, माइक्रो बॉडीज जो है प्लांट एनिमल दोनों में पाई जाती हैं, बैक्टीरियम नहीं पाई जाती, माइन्यूट जो है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा बेटा। 57 देखें, टू इंटर और लीव अ सेल सब्सटेंस मस्ट पास थ्रू, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर की तरह काम करती है, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा कौन सा बाहर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखें, विच ऑफ दी फॉलोइंग करेक्टली मैचेस दी ऑर्गेनल्स विद इट्स फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, फोटोसिंथेसिस, अरे बाप रे, तब ब्लंडर हो ही नहीं सकता, न्यूक्लियस, सेलुलर रिस्पायरेशन, गलत, रिप्लिकेशन की बात करता तो एक बात थी, राइबोसोम, मैन्युफैक्चर ऑफ द लिपिड्स, ओह, प्रोटीन कहता तो एक बात थी, सेंट्रल वैक्यूल्स स्टोरेज की तरह काम करता, बिल्कुल सही। 59 देखें, पेप्टाइड सिंथेसिस इन साइड अ सेल टेक्स प्लेस इन, पेप्टाइड की सिंथेसिस, पेप्टाइड यानी प्रोटीन कहाँ होगा बेटा, राइबोसोम के अंदर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम लोग, पेप्टाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, गोल्गी बॉडीज, वाइक्यूल्स, लाइसोसोम हैं, पेरोक्सिसोम नहीं है, पीसीएम याद रखिएगा, ठीक है ना। व्हेन द क्रोमोसोम्स हैज अ सेंट्रोमियर नियरर टू वन ऑफ द एंड ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन वन शॉर्ट आर्म एंड वन लॉन्ग आर्म, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं बेटा, ठीक। मोस्ट अबंडेंट इंटरसेलुलर कैटायन पोटेशियम होता है, हाउ मेनी माइक्रोट्यूबल्स आर प्रेजेंट इन सीलियम और फ्लैजिलम में, 20 पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखें, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट, राइबोसोम्स आर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट विद इन टू ऑर्गेनेल्स, यस सही है। शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन हाइयर प्लांट इज लेंस शेप्ड, ठीक, मेसोफिल भी लेंस शेप होती है। प्लास्टिक इज अ माइटोप्लास्ट नहीं, लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम लाइक किंगडम इन 60s, लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम इन लाइफ किंगडम इज 60s, बेटा ये कई ऑप्शन इसके गड़बड़ लग रहे हैं, लेकिन सेकंड तो थर्ड तो बिल्कुल पूरी तरीके से गड़बड़ है, तो थर्ड होगा बेटा। 65 देखें, रफ इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम इज नॉट रिलेटेड विद, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, यस होगा, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ठीक है, दूर दूर तक इसका रिश्ता नहीं, जो मैंने अभी डायग्राम दिखाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 67 देखें, 66, द मेन ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशंस एंड रूटिंग ऑफ द न्यू सिंथेसाइज प्रोटीन, भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 67 देखें, विच इज़ नॉट ट्रू ऑर्गेनेल्स, ठीक है ना, राइबोसोम्स इज नॉट ट्रू ऑर्गेनेल्स, ठीक है, कह रहा है कि विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी थी, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है ना, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोलीन, विच इज अ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स लेसाइथिन होती है बेटा, ग्लाइकोलिपिड्स भी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और प्रोलीन, ठीक है ना बेटा, कोलेस्ट्रॉल से नहीं बनी होती है। पढ़ा होगा हम लोगों ने बेटा, पढ़ा होगा आपने, लिपिड प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, लिपिड लिपिड प्रोटीन पढ़ा होगा, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, ठीक, तो इसमें बेटा कोलेस्ट्रॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देंगे, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग और पेयर्स, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन, गलत, ये बेटा रिपीट क्वेश्चन है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड, सरल याद रखिएगा। 70 द स्ट्रक्चर्स डैट आर फॉर्म बाई स्टैकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन दी क्लोरो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड ग्रेना, ठीक, ट्यूब्यूल्स की बात करें तो स्टोमा लेमेलाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सरल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 72 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नॉट एन एग्जांपल ऑफ द यूकेरियोटिक सेल्स, ये बैक्टीरिया ढूंढिए कौन सा है, ठीक है, तो इकोलाई बैक्टीरिया थर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, प्रोवाइड शेप टू द सेल, यस, प्रोटेक्ट द सेल टू सेल इंट्रैक्शन, यस, हेल्प टू सेल टू सेल इंट्रैक्शन, यस, नॉट द फंक्शन, फंक्शन जो उसका नहीं है,
सही बात, अभी तक सारे फंक्शन है इम्बाइब्स वाटर, यस प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यस। यानी अगर हम लोग देखें सारे के सारे फंक्शन थे पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड सेटेलाइट। हम लोग बोलते हैं सेटेलाइट डीएनए, सेटेलाइट क्रोमोसोम, सेटेलाइट डीएनए बोलते हैं। हु डिस्कवर्ड द राइबोसोम्स एज अ डेंस पार्टिकल्स अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? जॉर्ज पायरेट साहब ने डिस्कवरी की थी। 76 देखें, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड में पाए जाते हैं बेटा। 77 देखें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेशली स्टेन नॉट इजीली विजिबल इन द माइक्रोस्कोप। सही है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, यस। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, डीएनए आरएनए राइबोसोम एंड एंजाइम, सो इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द सेल। नो, आउटसाइड द सेल सर्वाइव नहीं कर सकती भले ही इसके पास डीएनए आरएनए हो। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई फ्यूजन, यस। बैक्टीरिया इज ऑल्सो डिवाइड बाई फ्यूजन, याद रखिएगा। तो थर्ड ऑप्शन होगा 78 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं बेटा। अकॉर्डिंग यानी ऑल होगा 79 देखें, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूड नेचर होता है। कैसा होता है बेटा? क्वासी फ्लूड नेचर। 80 देखें, लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद, ठीक अरेंज मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी हम लोगों ने देखा था ये प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। अब बताइए ये जो हेड है, देखते जाइएगा इसमें, ये प्रोटीन, ये लिपिड, ये लिपिड, ये प्रोटीन। अब बताइए ये जो हेड है आउटर साइड है, ठीक है ना, इनर टेल है, इनर टेल एक्वस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। पिनोसाइटोसिस यानी जो हेड से हम लोग हमेशा वाटर को हम लोग किससे पीते हैं बेटा? मुंह से ना, माउथ से, हेड में है तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ठीक है ना। हेड टुवर्ड्स दी आउटर साइड एंड टेल टुवर्ड्स दी लिपिड्स आर अरेंज विद इन, हेड टुवर्ड्स आउटर साइड एंड लिपिड्स टेल टुवर्ड्स इन साइड, सही है, थर्ड ऑप्शन क्लियर। इन सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स आर अरेंज इन बाई लेयर, दिख रहा है बाई लेयर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? ग्लाइको कैलिक्स में भी कैप्सूल्स और स्लाइम लेयर, यस। पिलाई हेल्प इन रिप्रोडक्शन, सेल वॉल प्रोटेक्टिव डिटरमाइन शेप एंड साइज, फ्लैजिला पिलाई एंड फिमरी आर सरफेस स्ट्रक्चर द बैक्टीरियल सेल्स। इसमें बेटा पिलाई तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक, और ग्लाइकोकैलिक्स में भी कैप्सूल्स और स्लाइम लेयर हो सकती है, यस। और थर्ड भी बिल्कुल सही है, पिलाई हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लैजिला पिलाई एंड फिमरेई और सरफेस स्ट्रक्चर द बैक्टीरियल सेल्स, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें बेटा ऑप्शन पिलाई रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है क्योंकि कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं, सिक्स पिलाई पाई जाती है, तो इसमें बेटा मिसमैच मुझे कोई भी ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल मेसोसोम पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन सिस्टम साइनोबैक्टीरिया में होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन 85 देंगे, अरेंज दी फॉलोइंग सेल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर साइज। साइज अगर हम लोग देखें बेटा, सबसे बड़ी साइज अगर होती है इसमें तो माइकोप्लाज्मा, ठीक। उसके बाद हम लोग अगर देखें ऑस्टिच एग, ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया और छोटे हैं, तो फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फर्स्ट देन फोर्थ, ठीक। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट, देन बैक्टीरिया, ठीक है ना बेटा, देन ह्यूमन आरबीसी, देन ऑस्टिच एग। यानी सबसे बड़ा अगर देखें ऑस्टिच एग है, देन ह्यूमन आरबीसी है, देन बैक्टीरिया, देन माइकोप्लाज्मा, क्लियर है बेटा। तो असेंडिंग ऑर्डर में पूछा था तो सेकेंड ऑप्शन होगा। 86 देखें, शेप ऑफ द सेल्स में वेरी विद द फंक्शन ऑफ द परफॉर्म ह्यूमन आरबीसी अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर।
साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज. यस. वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन द साइटोप्लाज्म कीप द सेल लिविंग स्टेट. ऑल आर करेक्ट. आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस इसी के अंदर होती है बेटा. 87 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी. वायरसेस थे, वायरवाइड्स थे, प्रियॉन्स थे, आल. ठीक. इज द सिंगल मेम्ब्रेन. ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन है बेटा? लाइसोसोम है, ग्लाइऑक्सिसोम है, ग्लाइऑक्सिसोम है, स्फेरोसोम है बेटा. ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, सब लोग याद रखिएगा. एक जगह लिख लीजिएगा डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज. ठीक. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल राइबोसोम है, सेंट्रियोल्स है, न्यूक्लियस है. ठीक है. लाइसोसोम्स आर द रिजर्वायर स्टोर हाउस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम. लाइसोसोम के अंदर सबको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पाया जाता है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे फैट के मालिक्यूल हो. हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है. पीएच लेस देन 5 पे ये लोग एक्टिव होते हैं, यानी एसिडिक पीएच पे. सुसाइडल बैग बोलते हैं हम लोग इसको. क्लियर है बेटा? ठीक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.